पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहां नेहरू युवा केंद्र ने संविधान दिवस पर शपथ समारोह आयोजित किया। नेहरू युवा केंद्र एटा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेहरू युवा मंडल गदुआ सचिव रवि यादव ने कहा कि हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों के सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में सभी वर्गों के हितों को शामिल किया गया है। नेहरू युवा केंद्र एटा के लेखाकार श्री विशाल सिंह ने संविधान दिवस पर विस्तार से चर्चा करते हुए नेहरू युवा केंद्र द्वारा कराए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सर्वश्री पवन यादव, अभिषेक विकासखंड निधोली कला, कुशून्य प्रेरणा यादव, हृदेश कुमार विकासखंड शीतलपुर, राजकुमार खगेशी कुमार विकासखंड जलेसर, रजत प्रताप विकासखंड शिकीट, मुकेश कुमार आदि के साथ साथ काम और राजनीतिक न्याय विचार अभ्यर्थी विश्वास और पासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को